कलरफुल लग रही हूँ ना बिफोर होली, मैं होली खेल रही हूँ. एक्चुअली सीन ऐसा है कि बिहान को पुरानी यादें ताज़ा करवाई जा रही हैं, उस चक्कर में मैं अपने जो मेरी बेटी है बानी और टीना उनसे एक उनके साथ एक स्किट प्लान करती हूँ और बोलती हूँ टॉप सीक्रेट है किसी को बताना मत, और जिससे बिहान को यू नो वो पुराने मोमेंट्स जो थपके और बिहान के थे वो पूरा रिकैप्चर्ड हो गए हैं, और बिहान को मैं चाहती हूँ कि वो सब देखे और कहीं ना कहीं प्रेशर पड़े दिमाग में, याद आए कि मैं वही थपकी हूँ क्योंकि वो मुझे पहचान नहीं रहा है. तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है असर उसके दिमाग में कि उसको इतना दर्द होने लगा, घुटन होने लगी, समथिंग हैपेंड एंड वो बाहर आया एंड ही जस्ट स्टार्ट्स पेंटिंग एवरीथिंग. और मैं देखती हूँ तो जो अंदर सीन मैं चाहती थी बिहान को याद आए वो पूरा सीन कि मिरर के सामने थपकी बिहान खड़े हैं, जो हमारा सीन गया था जिसमें मैंने आई लव यू कन्फेस किया था बिहान से, तो वही सीन की पेंटिंग उसने बहुत ब्यूटीफुल सी पेंटिंग पूरी पेंट की है, और मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई हूँ देख के. तो मम्मा को यही लगता है वसु मैम को कि वसु माँ को सॉरी ऑफ स्क्रीन चली गई मैं कि शायद मे भी याद आ गया हो, पर मैं यही इस वजह से मैं टेंशन में हूँ कि इतना बिहान की तबीयत कैसे ख़राब हो गई, इतना बेचैन हो गया. तो आज तक जो 7 सालों में उसको गलत दवाइयाँ दी जा रही हैं ये उसी का असर है, पर आई फील धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी चीज़ें. उतने में ही वसु माँ जो हैं वो ध्रुव जी की डांट से बचाने के लिए मेरे ऊपर डाल देते हैं क्योंकि वो वैसे मेरी साइड हैं बट सबके आगे वो उनकी ही साइड हैं, तो उनको मेरे ऊपर पेंट डालना पड़ता है जिससे सब शांत हो जाए और सबको लगे ओ वसु मम्मा डांट रही हैं, तो सब चुप हो जाए और सब चले जाते हैं. अच्छा ध्रुव एक बार फिर से काफ़ी आग बबूला हो गया. एब्सोल्युटली, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मैं जब छोड़ के गई तभी उस वजह से ही अदिति की डेथ हुई, उसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी खो दी है, तो वो एक हेट्रेड वाला एंगल है वो उनका स्टार्ट हो गया है, बहुत नफरत करते हैं क्योंकि उनकी दुनिया ख़त्म हो गई है. या वसंता एक तरफ जहाँ पे आपको डांट लगा रही थी और वहीं जैसे ही सब गायब हुए तो एकदम एक्चुअली सास की तरह पैंपर करने क्योंकि क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं इतना गिल्ट में है कि मुझे माफ़ कर दो मुझे तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव करना पड़ रहा है सबके आगे, पर मैं भी क्या करूँ, एंड इट्स फॉर माई गुड ओनली, वरना सब लोग को लगेगा कि वसु मम्मा मेरी साइड है तो उनकी भी खिलाफ हो जाएंगे लोग, तो शी इज़ हेल्पिंग मी आउट. लास्ट क्वेश्चन, बिहान मतलब याददाश्त वापस आने के एक स्टेप क्लोजर आ गए हैं, और आगे और क्या क्या कोशिशें करती हुई नजर आएंगी? मैं तो कोशिशें ही कर रही हूँ, अब अपने आगरा से इस घर तक आ गई हूँ अपनी बेटी को लेके, अब आगे मुझे मैं चाहती हूँ ऑफ स्क्रीन कि अब मुझे ये भी पता चले कि टीना इज़ माई डॉटर, तो बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं. आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा हो ये न्यू जो हम लोग लीप के बाद ट्विस्ट लेकर आए हैं, एंड वी पीपल आर वर्किंग हार्ड कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगें. ऑफ स्क्रीन पेंटर निकल आया था मेरे अंदर का, बिकॉज आई यूज टू पेंट एंड स्केच जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ, ऐसा कभी होता नहीं है वैसे, बट कभी भी मुझे टाइम मिलता है रात को या मैं बहुत अलोन होती हूँ तो व्हेन एवर आई एम अलोन आई स्केच, तो वही मुझे याद आ गया जयपुर में. आई यूज टू पेंट मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में, ऑलवेज आई हैव टेकन पार्टिसिपेटेड इन वेरियस एक्टिविटीज लाइक पेंटिंग ये सब. तो विहान जब करा था मैंने कहा मैं करूँगी यू वॉन्ट it perfectly na I will do it